देखिए, जो अनंतनाग में आप, चूंकि ये ग्रीन बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है और पानी का मंबा है हमारा डिस्ट्रिक्ट, चाहे जहलिम हो, विषम हो, या सांद्रन हो, आरपत हो, सारों का जो ग्लेशियर से सोर्स है वो अनंतनाग से ही है। चूंकि अनंतनाग की टोपोग्राफी जो है वो ऑलमोस्ट 2-3% स्लोप है, पानी ऊपर से नीचे चला जाता है, उसकी वजह से जो अपर रीचेज है जहाँ पे स्लोप ज्यादा है वहाँ पे ड्राउटी कंडीशंस बहुत ज्यादा है। ब्रंग एरिया और कुठार एरिया में वहाँ पे ड्राउट लाइक कंडीशंस बहुत ज्यादा है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की जहाँ पे बात है, दशनीपोरा खवरीपोरा इलाका जो है हमारा, चूंकि उसको मार्टन कैनाल और टडी कैनाल फीड करती है, जो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो इनिशियल तखमीना है हमारा इस टाइम तक, वो 2677 हेक्टेयर का जो एरिया है वो अंडर ड्राउट में आ जाएगा। इसमें कौन सा एरिया सर ज्यादा हिट हुआ? उसमें उसमें जो ज्यादातर एरिया है वो शांगस के आसपास, ज्वाला के, रेनीपोरा, शेखगुंड, बनगाम है, ब्रिंटी है, दयालगाम है, लड़कीपोरा है, या दमहाल है, अग्यनगाम है, ये एरिया पड़ते हैं। ब्रागम एरिया डोरू में, जो ब्रागम एरिया और उससे नीचे लड़कीपोरा तक जो एरिया है वो उसमें पड़ता है। इधर खुंडपायरी है, उधर भी इरिगेशन का कम सोर्स है, क्योंकि उरनहाल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के टाउन हेडक्वार्टर के बिल्कुल नज़दीक है, वो भी डडी एरिया, डडी कैनाल, ये सॉरी नांदी कैनाल के टेल एंड पे वाका है, उसमें भी पानी की बहुत ही कम जो मकदार है वो वहाँ तक पहुँच जाती है, तो वहाँ भी खतरा रहेगा उसके असर का, ड्राउट।